मनमाना भव की निशानी क्या होगी? What will be the indication of मनमाना भव? है जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं हो सकता। Whatever is the thought of father should be the thought of the child. It means that there cannot be any opposition even in the thoughts. वाचा में बाप की वाचा से वाचा टकरा जाए, ये तो बड़ी बात हो गई। If the words clash with the words of father, then that becomes a big matter. और कर्मेंद्रियों का झगड़ा होने लगे, मारपीट हो जाए बाप और बच्चे के बीच में, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया दुष्टता का। एंड इफ एनी क्वारल टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडीली ऑर्गन्स, इफ एनी एजॉल्ट टेक्स प्लेस बिटवीन फादर एंड द चाइल्ड, देन दैट बिकम्स अ वेरी बिग एक्ट ऑफ विकेडनेस। मनमाना भव माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं। मनमाना भव मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी ऑपोजिशन इवन इन द थॉट्स। जो बाप चाहता है वो ही बच्चा करेगा, जो बाप बोल बोलता है बच्चा वही बोल बोलेगा, जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। The child will do whatever his father wishes him to do. The child will speak the same words that are spoken by the father. Whatever is the language of father will be the language of the children. जो बाप बच्चों से कर्म कराना चाहता है, बच्चे वही कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे, दूसरा कर्म नहीं कर सकते। Children will perform through their bodily organs the very acts which father wants them to perform. They cannot perform any other act. अगर करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं, बाप के विपरीत सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो इससे साबित होता है कि वो मनमाना भव की लिस्ट में नहीं है। If they perform such actions, or if they speak, or if they think opposite to what father thinks, if they act or speak in an opposite manner, then it proves that they are not in the list of manmana bhav. ऐसे जो manmana bhav होते हैं, वो वही बच्चे हो सकते हैं, जिन्होंने बाप को पूरा पूरा अच्छी रीति पहचाना हो। Only those children can be fully manmanabhav who have recognized father completely and very well.